सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। चैनपुर थाना क्षेत्र के बराव में मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड ब्रांच ऑफिस बारलोटा कंपनी के एजेंट से 1,57,000 रुपये के लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर चैनपुर थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता ने कहा कि शाहपुर गढ़वा रोड के यादव होटल के समीप से 13 सितंबर के दिन में हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना में शामिल सभी आरोपी चैनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर लूट के एक एमआई कंपनी के मोबाइल, एक पोस मशीन, 2 पासबुक, 1 आईडी कार्ड, 1 काला रंग के बैग सहित लूट के क्रम में उपयोग की गई होंडा साइन मोटरसाइकिल एवं एचएफ डिलक्स एक बरामद कर लिया गया है। घटना में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वही थाना प्रभारी श्री गुप्ता ने आगे कहा कि मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड ब्रांच ऑफिस बारालोटा कंपनी के एजेंट पड़वा थाना क्षेत्र के टाणपत्रा गांव निवासी गोपाल कुमार द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में मामला दर्ज कर वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार टीम गठित कर कार्रवाई की गई। दिए गए आवेदन के अनुसार मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड ब्रांच ऑफिस बारालोटा कंपनी द्वारा चैनपुर प्रखंड के बराव एवं चढ़नवा टोला में कई स्वयं सहायता समूह के लोगों को लोन दिया गया है, जिसकी वसूली में प्रत्येक माह में 2 दिन करने जाते हैं। वह 13 सितंबर को लोन वसूली कर लौट रहे थे। उसी क्रम में यादव होटल के समीप 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग हथियार के बल पर मोटरसाइकिल रुकवाते हुए बैग में रखे 1 पोस मशीन, 2 पासबुक, 1 आईडी कार्ड एवं 1,57,000 रुपए लूट कर फरार हो गए थे। बाद में पीड़ित द्वारा लिखित आवेदन थाने में दी गई थी। वह अज्ञात लोगों के विरुद्ध चैनपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। वरीय पदाधिकारियों के आदेशानुसार टीम गठित कर जांचों उपरांत पाया गया कि लोन लेने वाले के स्वयं सहायता समूह के एक महिला के पति चैनपुर थाना क्षेत्र के चढ़हरमा टोला निवासी संजय चौधरी अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसकी निशानदेही पर चैनपुर थाना क्षेत्र के कंकारी गांव निवासी रवि कुमार पाल उर्फ पिंटू एवं अनिल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। चैनपुर से संदीप चौरसिया की रिपोर्ट।